अगली खबर पंजाब के बठिंडा से है, जहां पर पल्लेदार यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को अपना मांग पत्र सौंपा, साथ ही मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने अनाज मंडी से लेकर बस स्टैंड तक जाम लगा दिया था। ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਗਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष और मिर्जापुर लोकसभा चुनाव प्रभारी नरेश उत्तम बीजेपी के पूर्व नेता मनोज श्रीवास्तव के आवास पहुंचे, उनसे बंद कमरे में मुलाकात की और जब बाहर आए तो अपनी इस मुलाकात को उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात बताया। गुफ्तगू की इस दौरान मीडिया से उन्होंने कहा कि समाज सेवी हैं, उनसे शिष्टाचार बस मुलाकात करने आया हूं। हालांकि इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में सपा की जीत के लिए हर संभव प्रयास की भी बात कही। बुलंदशहर के खुर्जा में भारतीय किसान यूनियन चटुनी का धरना 29 जनवरी से लगातार जारी है। खुर्जा अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर किसानों की समस्या को लेकर चल रहे धरने का 8वां दिन है। सर्वसहमत से 7 फरवरी 2024 को भारतीय किसान यूनियन चटुनी ने अब महापंचायत रखी है। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता खुर्जा अमित कुमार किसानों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय अपने कार्यालय में 8 दिनों से गायब बताए जा रहे हैं, जिससे नाराज होकर भारतीय किसान यूनियन चटुनी के जिलाध्यक्ष सूबे सिंह डागर ने धरने को जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांधी जी के तरफ से किए गए शांतिपूर्ण आंदोलन से प्रेरित होकर वो 5 किसान